मैं सबसे पहले उन माननीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अनुसूचित जाति के हमारे समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले जो हमारे बंधु हैं, उन बंधुओं के कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में सरकार के द्वारा कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं, आज के इस प्रभावी बिल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में जो बिल लाया गया है उसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, मैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी के अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी सूचियों में संशोधन करने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रक्रियाएं बनाई हैं जिसमें राज्यों से संघ राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने के बाद उसमें RGI और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा सहमति होने के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाता है, उसके बाद फिर उनके अनुमोदन के उपरांत सभा में यहाँ पर सदन में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिनांक 3/6/2021 में और 28/1/2022 में अनुशंसा की गई कि वहां राज्य की मेहरा और माहरा समुदाय को क्रमांक 33 पर जो महार मेहर और मेहरा के पर्याय के रूप में सम्मिलित किया गया है जिसका भारत के महाराष्ट्र RGI और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने समर्थन किया है, मेहरा माहरा समुदायों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए विधेयक लाया जाए और उस विधेयक को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुशंसा पर यहाँ पर लाया गया है। ये विधेयक पारित होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के जो हमारे मेहरा और माहरा समुदाय के हमारे जो बंधु रह गए थे जो कि अनुसूचित जाति के कल्याण की योजनाओं से वंचित थे, ये पास होने के बाद उनके बच्चों को उनके बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर सकेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, उनको सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो वेलफेयर स्कीम है चाहे वो लोन की स्कीम हो, वेंचर कैपिटल फंड की स्कीम हो, राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम हो, इन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराने में अपना सहयोग दें।